दोस्तों दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्कूल ट्रांसफर का मुद्दा इस साल 2024-25 में पूरी तरह गरमाया और अंत में राजनीति की भेंट चढ़ ही गया। मतलब जमकर राजनीति हुई। स्टार्टिंग कहां से हुई राजनीति, कौन फायदा ले गया, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ और अंत में ट्रांसफ़र वाला मुद्दा ही कैंसिल हो गया, तो भाई वो करवाया किसने, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि आखिर अगर शिक्षा विभाग में परेशानी आती है तो आपको किसके पास जाना चाहिए, कौन आपका काम करेगा और भाई किस में कोई दम नहीं है, ये भी हम सारी बातें शेयर करेंगे। क्योंकि समस्याएं आए दिन आपको भी आती रहती है, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स कई बार आपको परेशानी आती है, तो भाई किसके पास जाना है सॉल्यूशन के लिए, सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को लाइक तो करना ही, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और हाँ, आपको पल पल की एजुकेशनल अपडेट लगातार मिलती रहती है तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना। मुद्दा हर साल ट्रांसफ़र के होते ही है, नॉर्मल ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन शुरू हुआ इस साल राजनीति। पहली बार 10+ मतलब जिन टीचर्स को 10 से ज़्यादा साल हो गए थे एक ही स्कूल में भाई नहीं रहेंगे, ऐसा सर्कुलर आया शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये सर्कुलर आ गया था लगभग 15-20 जून के करीब। भाई ट्रांसफ़र होते हैं तो हमारे परमानेंट टीचर्स बहुत परेशान रहे, हमारे गेस्ट टीचर बहुत परेशान रहे, पूरा सिस्टम हिल गया, तो भाई बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, है ना। तो समझ ये नहीं आया कि जब ये जो ट्रांसफ़र का मुद्दा है ये 15-20 जून से शुरू हो गया था, तो शिक्षा मंत्री के पास भी तो खबर गई होगी ना, ऑब्वियसली भाई हमारे पास खबर आई, आपके पास खबर आई, तो ये खबर सीधा जाकर के शिक्षा मंत्री के पास भी तो गई होगी कि भाई इस बार 10 साल से ज़्यादा वाले टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी पे, लेकिन यार कुछ टीचर्स पे फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। तो परमानेंट साथियों ने क्या करा, भाई एसोसिएशन भी बने हुए हैं, अब एसोसिएशन को धक्का दिया, भाई कुछ करो हमारे लिए, है ना, एक ही स्कूल में हम थे, मजे आ रहे थे एक ही स्कूल में, अब हिल गए। तो भाई एसोसिएशन गई, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ गई, है ना, अंत में बताऊँगा काम किसने किया। सारा कुछ हुआ और इसी दौरान मतलब लगभग 15-20 जून से प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें भी हमारे जो परमानेंट साथी है वो 2-3 हिस्सों में बट गए। कुछ ने तो चुपचाप इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपना ट्रांसफ़र भर दिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने भाई म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर दिया, भाई तुम इधर आ जाओ मैं इधर आ जाता हूँ, है ना, अगल बगल में कर लेते हैं। और भाई कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने कहा कि भाई ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं करेंगे और कैंसिल करके ही रहेंगे, तो उन्होंने ट्रांसफ़र कोई स्कूल भरा ही नहीं। अब जब भरा ही नहीं तो जब फाइनली लिस्ट आई तो देखा कि भाई उथल पुथल मच गई। जिन्होंने पसंद से भरा था उनको उनका पसंद वाला स्कूल मिल गया, जिन्होंने म्यूचुअल करवाया था उनको म्यूचुअल वाला मिल गया, लेकिन जिन्होंने कहीं नहीं भरा भाई उनको जहां मर्जी पटक दिया शिक्षा विभाग ने, फिर तो और खलबली मच गई। खलबली क्या मचनी थी, फिर खलबली भी कुछ लोगों में ही मची। कुछ टीचर ने चुपचाप अगले ही दिन ज्वाइन कर लिया। अभी कौन से टीचर हैं भाई, अगर आप कैंसिल करवा रहे हो तो थोड़ा सा रुक तो जाओ। लेकिन इन्होंने गरम गरम पुलाव खाना सोचा और फटाफट से स्कूल ज्वाइन कर लिया अगले ही दिन। कुछ म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गए बच्चे। कुछ वो टीचर जिन्होंने कहा कि भाई हम ट्रांसफ़र नहीं भरेंगे, लेकिन भाई अब तो नाम आ गया तो अब तो जाना ही पड़ेगा, अब जाना ही पड़ेगा, तो उथल पुथल फिर से मच गई। अब जैसे ही ये मुद्दा फिर से गरमाया और गया शिक्षा मंत्री जी के पास, शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम जी ने एक गेम खेल दिया। उन्होंने सबसे पहले तो लेटर भेजा डायरेक्टर साहब को कि भाई किसकी मर्ज़ी से आपने ट्रांसफ़र किया। अब मैडम जी को भी तीन चार जुलाई को समझ में आया, अरे भाई मुद्दा जब 15-20 जून से गरमाया था तो ये चिट्ठी पत्रिका सिलसिला पहले से शुरू कर देते, लेकिन मैडम जी भी खेल गई गेम और ये चिट्ठी पत्रिका सिलसिला हुआ 2-3 जुलाई से। उसके बाद सोकुश नोटिस भी आया, सोकुश नोटिस आया तो भाई मुद्दा गरमाया, भाई ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर कुछ साथी अलग अलग जगह, कुछ बीजेपी के पास गए, कुछ आम आदमी पार्टी के पास गए, कुछ एलजी साहब के पास गए, कुछ सांसदों के पास गए, सब ने अपनी अपनी बात रखी और भाई मुद्दा और गर्म आ गया। अब तो भाई सबको चाहिए था। अब ये जैसे मुद्दा गया हमारे बीजेपी वालों के पास भी, तो भाई होता ही है, ये तो चलता ही है, और वो भी पुरजोर तरीके से आए। और भैया शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भाई शिक्षा विभाग को हिलाया जा रहा है, ज़बरदस्ती
टीचर का ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है। जिनको 10 से ज़्यादा साल हो गए उन्हें उनके स्कूल में ही रखा जाए, क्योंकि एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगता है। लेकिन जब ऐसी बात थी तो काफ़ी सारे साथियों ने तो तुरंत ज्वाइन कर लिया था, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी, चुपचाप ज्वाइन कर लिया। नए स्कूल में काम भी करने लगे, नया स्कूल अच्छा भी लगने लगा भाई कई सारों को। तो कई सारे टीचर्स ने तो ये कहा कि भाई अच्छा हो गया, हमारा ट्रांसफ़र हो गया। अब आप बताइए, अगर ट्रांसफ़र ही गलत है, आप नहीं चाहते हो, तो आपने ज्वाइनिंग क्यों ले ली? और ज्वाइनिंग ले ली तो मज़ा आ रहा है। तो ये तो इतना क्लियर हो गया कि जो 5000 टीचर्स थे वो सारे के सारे ट्रांसफ़र मतलब कैंसिल नहीं चाहते थे, उनमें से कुछ ही टीचर थे। अच्छा, जिनको उनके जहां मर्जी पटक दिया, उनमें से भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जो सच में जेन्युइन तरीके से काम कर रहे थे। उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि जहां मर्जी भेज दो, हमें तो काम करना ही है। लेकिन भाई ये तो है कि अगर ज़्यादा दूर भेज दिया जाए तो दिक्कत तो आती है। वहाँ पर दिक्कत आई, कुछ साथी ऐसे भी थे जो सीरियसली अपने पुराने वाले स्कूल में बढ़िया काम संभाल रहे थे। अब भाई बढ़िया काम संभालेंगे तो ऑब्वियसली पूरा सिस्टम हिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे साथी थे जो भाई कुछ नहीं कर रहे थे। एक्चुअल में जो ट्रांसफ़र का सिलसिला है ना, जो हमें जानकारी मिली प्राप्त सूत्रों के अनुसार, कि उन्हीं टीचर्स के लिए ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू हुआ जो भाई 10-10, 15-15, 20-20 साल से एक ही स्कूल में थे लेकिन कुछ नहीं कर रहे थे। ना इनको HOS बोल पा रहा था, ना इनको बाहर से कोई दूसरे टीचर बोल पा रहे थे। ऑब्वियसली इनकी कुछ SMC वालों ने कंप्लेंट करी और आगे तक बात गई कि भैया इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। कुछ HOS प्रिंसिपल्स ने भी कंप्लेंट करी कि भैया ऐसा है ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि ये बड़े बड़े जो सीनियर है हमारी बातें नहीं सुनते। ऑब्वियसली जो भी है सब कुछ हुआ फाइनली और ये हो गया कैंसिल। अब जब कैंसिल हो गया तो भाई सारे लोग आ गए, हमने करवाया। आतिशी मैडम भी कहने लगी, उधर मनोज तिवारी जी भी, और उधर BJP और सारे, और LG महाराज, सारे लोग कहने लगे कि भैया हमने मुद्दे को समझा। अब समझ ये नहीं आया कि जब आतिशी मैडम भी चाहती थी, मतलब आम आदमी पार्टी भी चाहती थी कि ये टीचर का ट्रांसफ़र ना हो, BJP के सांसद भी कह रहे थे कि भाई ये ट्रांसफ़र की प्रक्रिया गलत है, तो वो भी चाहते थे ट्रांसफ़र ना हो, LG साहब भी चाह रहे थे ट्रांसफ़र ना हो, तो भाई ये ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने लेटर लिखा कि भैया ट्रांसफ़र को रोका जाए, और किसे पूछ के आपने ट्रांसफ़र किया? तो हमारी शिक्षा मंत्री जी को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि सर्विस मैटर, ये दिल्ली का सर्विस मैटर LG साहब के पास है, और LG साहब ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए एलिजिबल हैं और वही इसके हकदार हैं करने के लिए। तो शिक्षा मंत्री को तो पूछो या ना पूछो बराबर है ना। हालांकि मुखिया है, शिक्षा विभाग की मुखिया है, उन्हें पूछना चाहिए, लेकिन फाइनली जो मतलब डिसीजन होगा वो LG साहब का होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग उन्हीं को करना है। अब भाई साहब गजब वाली बात आ गई कि अगर रोकना ही था तो चिट्ठी पत्री के माध्यम से रुका होगा क्या? और अगर ऐसा ही था तो चिट्ठी पत्री को पहले क्यों नहीं चलाया? जब सब गर्मा गया तो सब ने हमने करा। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया रुकी वो रुकी BJP के सभी सांसद जाकर के LG साहब से मिले और LG साहब से उन्होंने इसको रोकवा दिया, कैंसिल करवा दिया। तो इन फ्यूचर अगर आपको यूनिटी बना करके कहीं जाना है, अपनी बात को रखना है, तो आप जाइए सीधा LG महाराज से मिलिए। LG साहब तक अगर आपकी पहुंच नहीं बन पा रही तो आप जाइए और सीधा BJP की जो सांसद हैं उनसे जाकर के बात कीजिए, मिलिए, और वो आपकी बात को LG साहब तक रखेंगे और LG साहब उसको संज्ञान में लाएंगे। अगर हम बात करेंगे गेस्टचर की, तो गेस्टचर का मुद्दा भी तो वही सैलरी वाला मुद्दा हो, पॉलिसी वाला मुद्दा हो, अगर कोई सॉल्यूशन है तो सिर्फ LG साहब के पास है। लेकिन जो भी कुछ हो, बहुत सारे परमानेंट साथी तो चाहते थे ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन भाई मजबूरी है, अब रिवोट हो गया, रिस्टोर हो गया तो वापस जाना पड़ा, इसी दौरान आना जाना कितना समय ख़राब हुआ। हमारे गेस्टचर साथी पूरी तरह से हिल गए। अब गेस्टचर भाई परमानेंट साथी वापस गए तो गेस्टचर को भी वापस जाना चाहिए था, लेकिन आज 2 दिन हो गए, कोई ऐसा सर्कुलर नहीं आया कि गेस्टचर को भी वापस कर दिया जाए। हालांकि कुछ टीचर एसोसिएशन ये बात रख रहे हैं कि गेस्टचर को वापस रखा जाए। भाई लेकिन आपके कहने से नहीं होगा ना, जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता, और इसी दौरान गेस्टचर की लगभग पूरे 8 से 10 दिन ख़राब हो गए। सवाल ये है कि चलिए बाकी लोग तो राजनीति कर गए, लेकिन गेस्ट टीचर का जो 8 से 10 दिन का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा?
ये सबसे बड़ा सवाल है, शिक्षा विभाग से सवाल है, ये उन सांसदों से सवाल है, एलजी साहब से सवाल है, ये दिल्ली की शिक्षा मंत्री से सवाल है, शिक्षा विभाग से सवाल है कि जो गेस्ट टीचर आखिर उनका क्या दोष था। भाई ठीक है आपकी राजनीति चल रही थी, लेकिन गेस्ट टीचर का कोई दोष नहीं था, उन्हें बेवजह क्यों परेशान किया गया, इसका जवाब गेस्ट टीचर चाहते हैं। वीडियो को शेयर कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपके साथ इस तरह की वीडियो लगातार आती रहेंगी। लेकिन यस, मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चाहे आप किसी भी फील्ड में किसी भी विभाग में राजनीति करें, लेकिन शिक्षा विभाग में राजनीति नहीं होनी चाहिए।